हेलो बीटीएस आर्मी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली हमारे बीटीएस के मेंबर जिन यानी हमारे प्यारे से सोक जिन वापस आ रहे हैं और इसी खुशी में बीटीएस फेस्टा में बहुत ही बड़ा एक इवेंट रखा गया है जिसको एक हगिंग इवेंट भी कहा जा रहा है, क्योंकि हाइब ने अनाउंस किया है कि जिनके रिक्वेस्ट पर एक लाइट हग इवेंट रखा जा रहा है जहाँ पर जितनी भी आर्मीज आएंगी उनको जिन हग करेंगे, उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करेंगे और बात करेंगे। लेकिन इस इवेंट के बारे में सुनने की जगह खुश होने की जगह आर्मीज इस इवेंट पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं और उनका गुस्सा फूट रहा है हाइप के ऊपर, क्योंकि आर्मीज का कहना है कि हाइप जो है वो जिन को ना इस तरीके से फोर्स कर रहे हैं, मतलब जिन को इस तरीके से मजबूर कर रहे हैं इस इवेंट को करने के लिए, जबकि जिन इतने टाइम बाद मिलिट्री से वापस आए हैं उन्हें अच्छे से रेस्ट देना चाहिए। एक छोटा सा मीट एंड ग्रीट फैन मीटिंग की तरह करवा सकते थे, लेकिन एक हग इवेंट रखना एक बहुत ही गलत चीज़ है। तो दोस्तों, फुल डिटेल में इसके ऊपर बात जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो और साथ ही साथ हमारे सेकंड चैनल एडोफेक्स रिएक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहाँ पर बीटीएस की सबसे मजेदार वीडियोस आपको देखने मिलेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो रिसेंटली जैसे ही आर्मीज ने सुना कि फेस्टा वाले दिन लास्ट में जिनका एक मीट एंड ग्रीट इवेंट रखा गया है, कई सारी आर्मीज काफ़ी खुश थी इस बात को सोचकर कि जिन आएंगे आर्मीज से मिलेंगे, काफ़ी सब कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि साथ ही साथ एक लकी ड्रॉ इवेंट हो रहा है जिसमें 1000 से भी ज़्यादा आर्मीज जीतेंगी और इन आर्मीज को ना जिनके साथ हग करने का मौका मिलेगा, यानी जिनको गले लगाने का मौका मिलेगा। और बताया जा रहा है कि पूरे 3 घंटे तक ये इवेंट चलेगा जिसमें 1000 आर्मीज आएंगी और जिन उनसे गले मिलेंगे। अब ऐसे में जहाँ पर कई सारी आर्मीज खुश हैं कि उन्हें जिन से मिलने का मौका मिलेगा, कई सारी आर्मीज इस इवेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हैं और भड़की हुई हैं। उनका कहना है कि ऐसा थका देने वाला फिजिकल इंटरेक्शन वाला इवेंट हाइप कैसे रख सकता है जब उन्हें पता है कि जिन इतने टाइम बाद वापस आए हैं। तो इस तरीके से जिन को ज़बरदस्ती एक हग इवेंट में भेजना जहाँ पर 1000 लोगों को 3 घंटे तक लगातार गले लगाना हो, कितना टायरिंग है। साथ ही साथ कई सारे आर्मीज का मानना है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेंजर और रिस्क लेवल इन्वॉल्व है। वैसे तो आर्मीज की हमेशा चेकिंग होती है फैन मीटिंग्स में आने से पहले, लेकिन 1000 के भी ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पे और जिन सबको गले लगेंगे तो ये बहुत रिस्की है जिन के लिए भी, क्योंकि कई सारे फैंस ऐसे होते हैं जो अपनी लिमिट क्रॉस कर देते हैं कभी कभी आइडल्स के पास आके। हो सकता है कि जिन किसी को गले लगे और वो जिनको छोड़े ही ना, या फिर थोड़ी खींचातानी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो पर्सनल इंटरेक्शन इतना क्लोजली करना रिस्की है जिनकी लाइफ के लिए भी और वैसे भी। तो आर्मीज को लगता है कि ये काफ़ी गलत है। अभी तक बीटीएस की फ़ैन मीटिंग जिस तरीके से होती आई है उसी तरीके से होती तो अच्छा रहता, लेकिन सबको हग करना, सबसे फिजिकली मिलना बहुत ही गलत बात है और बहुत ही रिस्की है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको भी लगता है कि ये जो मीट एंड ग्रीट इवेंट और हग इवेंट रखा है ये सही नहीं है? और जाने से पहले चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।